नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी बड़े जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता नाना पटोले की मांग पर रश्मि शुक्ला का तबादला हुआ है। किस कारण के चलते रश्मि शुक्ला का तबादला हुआ है, उसके पीछे की वजह भी सामने आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही 28 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। साथ ही राज्य भर में 300 से ज़्यादा पुलिस इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया। इसी दौरान रश्मि शुक्ला को भी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्ला के बारे में कहा है कि शुक्ला की कार्यप्रणाली अत्यधिक विवादास्पद रही है, उन्होंने गैरकानूनी काम भी किया है। शुक्ला ने विपक्षी दल के नेताओं को धमकी भी दी है। इसी के चलते 20 नवंबर से पहले उनका तबादला किया जाए, इसे लेकर नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया।